हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल स्टेट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स ये वाला टॉपिक हमने कवर किया था। और उस लेक्चर में हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलिंग के बारे में देखेंगे कि मेथड्स ऑफ कूलिंग कौन कौन सी अवेलेबल है। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडी। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम आज का हमारा एजेंडा क्या है, कूलिंग मेथड्स ऑफ कूलिंग पढ़ना, कौन कौन सी मेथड्स अवेलेबल है हमारी कूलिंग के लिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कूलिंग होती क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज कूलिंग? व्हाट इज कूलिंग आपके हिसाब से कूलिंग का मतलब क्या है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मेरे हिसाब से कूलिंग का डेफिनेशन आपको देता हूँ। कूलिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है, प्रोसेस बाय विच हीट रिजल्टिंग फ्रॉम लॉसेस अकरिंग इन अ मशीन इज गिवन अप टू अ प्राइमरी कूलेंट कूलेंट बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो कूलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपकी जो हीट जनरेट हो रही है, हीट रिजल्ट हो रही है कहां से, लॉसेस के अंदर। तो जो प्राइमरी कूलेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ाना, यानी इन शॉर्ट ऑफ मशीन की कूलिंग करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी कूलेंट है, कूलेंट को आप क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं बाय द न्यू कूलेंट ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कूलिंग करते हैं। और जो ये आपका गर्म कूलिंग है, जो गर्म प्राइमरी कूलेंट है, इसको आप ठंडा करते हैं बाय द सेकंड कूलेंट, जो हमारा कह सकते हैं हम उसे हीट एक्सचेंजर। ओके, सो Why we this cooling needed? Why we second question ये हो सकता है कि हमें कूलिंग की क्यों जरूरत पड़ी। तो why is cooling needed? Cooling needed हमें क्यों कूलिंग की जरूरत पड़ी? तो एनर्जी ट्रांसफर हमारा एनर्जी ट्रांसफर इन एंड एनर्जी कन्वर्जन एनर्जी कन्वर्जन इन इलेक्ट्रिकल मशीन मैनिफेस्ट लॉसेस। ठीक है, तो एनर्जी जब आपकी मशीन में एक एनर्जी फॉर्म से दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो तो क्या है, लॉसेस अकर करती है मशीन में। तो उस लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमें कूलिंग की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपका मशीन की जो इंसुलेशन आपने करी है वो इंसुलेशन को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए भी आपको कूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो मैं ऐसा भी एक पॉइंट लिख सकता हूं, टू प्रिवेंट ऑफ डैमेज of to prevent damage of insulation due to heat इसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये आपकी कूलिंग आपको तीसरे रूप में कैसे जरूरत पड़ती है कि जैसे आपका हीट आपका लॉसेस के रूप में अपियर हो रहा है, वो आपकी टेम्परेचर की मशीन की जो टेम्परेचर है उसे इंक्रीज कर रही है, और उसके कारण क्या है, उसकी मशीन की एफिशिएंसी पे भी आपका इफेक्ट पड़ रहा है। तो एफिशिएंसी को भी बचाने के लिए, एफिशिएंसी को उस बरकरार रखने के लिए भी हमें कूलेंट की कूलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ
फॉर, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर गेन मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑफ मशीन वी कैन यूज द कूलिंग सिस्टम। ओके, देन कूलिंग की बात हो गई। अब हम लोग कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलेंट और हीट एक्सचेंजर की अगर हम लोग बात करते हैं, मीन्स कूलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मशीन में कूलेंट यूज करते हैं या फिर हम लोग हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। तो धीमे एक एक करके हम लोग ये कूलेंट और कूलेंट्स एंड हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं। कूलेंट किस किस टाइप के होते हैं, तो ये आपका हो सकता है, कूलेंट के दो टाइप हो सकते हैं, मैं आपके यहां लिख देता हूं। एक प्राइमरी कूलेंट भी हो सकता है आपका, प्राइमरी कूलेंट, देन दूसरे पार्ट में आपका सेकेंडरी कूलेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर आपका हीट एक्सचेंजर वाला जो टॉपिक हटा देता हूँ, कूलेंट सीख लेते हैं। कूलेंट में दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी कूलेंट। प्राइमरी कूलेंट जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो लोअर देन मशीन पार्ट, इसका जो टेम्परेचर है इट हैज लोअर टेम्परेचर देन मशीन पार्ट। मशीन पार्ट से इसका टेम्परेचर लोअर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हैवी वाटर, वाटर हो गया, हैवी वाटर हो गया, कोई कूलेंट हो गया, ये सब चीजें हम लोग प्राइमरी कूलेंट के तौर पे यूज करते हैं। और सेकेंडरी कूलेंट में क्या होता है, सेकेंडरी कूलेंट का जो टेम्परेचर होता है वो प्राइमरी कूलेंट के टेम्परेचर से कम होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज लोअर टेम्परेचर देन प्राइमरी कूलेंट। ओके, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हमारे पास है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, देन इसके दूसरा भी पार्ट है क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी कूलेंट के। ओके, कूलेंट के बाद है हमारा हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर है क्या, तो हीट एक्सचेंजर आपका एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ये ऐसा एक कंपोनेंट है जो दो कूलेंट को सेपरेट करता है और अलाउ करता है हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए बिटवीन देम। ठीक है, ये एक ऐसा कंपोनेंट है, हीट एक्सचेंजर एक ऐसा कंपोनेंट है, मैं लिख देता हूं यहां पे आपको, इट इज सच कंपोनेंट दैट कीप्स टू कूलेंट्स सेपरेट बट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन देम, बिटवीन देम। ठीक है, जैसे या हीट एक्सचेंजर का अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन एसी हो गया आपका, ये भी आपका हीट एक्सचेंज है एक तरीके से। अंदर और बाहर दो मीडियम है आपके, ठीक है, तो एसी क्या करता है आपका, अंदर की हवा, अंदर की गर्म हवा को बाहर छोड़ता है और बाहर से ठंडी हवा लेके आपके
घर के अंदर आपको देता है। ये एसी हो गया, देन आपका पावर प्लांट हो गया, ये सब क्या है, एक तरीके से हीट एक्सचेंजर का एग्जाम्पल हम लोग इसे कह सकते हैं। ओके ये तो हो गई हमारे कूलेंट और एक्सचेंजर की बात। अब इसको कूलिंग मेथड कौन कौन सी है, मतलब मेथड्स ऑफ कूलिंग क्या क्या हो सकती है। तो मेथड्स ऑफ कूलिंग में, नया टॉपिक मेथड्स ऑफ कूलिंग, कूलेंट्स और एक्सचेंजर की हमने बात कर ली, नाउ मेथड्स ऑफ कूलिंग। तो मशीन के साइज वो उसकी गिवन ड्यूटी पे डिपेंड करती है कि उसमें मशीन के अंदर आपके कितना हीट लॉस होगा और कौन से पार्ट में हमारा कितना ज्यादा और कितना कम हीट लॉस हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइज ऑफ मशीन, साइज ऑफ मशीन ऑफ अ गिवन ड्यूटी डिपेंड्स ऑन हीट लॉसेस इन इट्स वेरियस पार्ट। ओके, जैसे आपका स्मॉल मशीन्स हो गई, स्मॉल मशीन में जैसे एग्जांपल में फ्रैक्शनल एचपी मशीन हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरली से हम लोग इसे कूल कर सकते हैं। इसके अलावा एयर के स्ट्रीम वेंटिलेशन के थ्रू हम इसे मशीन को कूल कर सकते हैं। ओके, देन कूलिंग सिस्टम की अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें, ये तो मेथड्स में, देखिए मेथड्स में आपको यहाँ पे देता हूँ, बाय दी वेंटिलेशन, वेंटिलेशन प्रोसेस हम लोग मशीन को कूल कर सकते हैं। नेचुरली भी कूल हो सकती है, बाय नेचुरल प्रोसेस, ओके। ये थी हमारी मेथड्स ऑफ कूलिंग। देन कूलिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखते हैं, तो इसके क्लासिफिकेशन हमारे दो टाइप में होते हैं, कूलिंग के ओरिजिन के बेस पे और कूलिंग के मैनर के बेस पे, ठीक है। तो ये नई स्लाइड में मैं आपको लिख देता हूं, देखिए नई स्लाइड में मैं आपको लिखता हूं कूलिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन, कूलिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के कैसे, ये देखिए दो टाइप उसके इस तरीके से, बेस्ड ऑन ऑरिजिन ऑफ कूलिंग, बेस्ड ऑफ ऑरिजिन ऑफ कूलिंग, देन दूसरा, दूसरे टाइप है हमारा बेस्ड ऑन मैनर ऑफ, मतलब किस मायने में उसकी कूलिंग हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। ओरिजिन क्या है उसका, ओरिजिन के बेसिस पे इसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है उसका नेचुरल कूलिंग, मतलब नेचुरली उसका कूलिंग हो रहा है मशीन का। दूसरा है सेल्फ कूलिंग, खुद कूलिंग हो रहा है, किसी की जरूरत नहीं है। और तीसरा है सेपरेट कूलिंग, सेपरेट कूलिंग। ओके, बेस्ड ऑन मैनर की बात करें, बेस्ड ऑन मैनर में उसके चार पार्ट हैं। पहला, सबसे पहला पार्ट है उसका ओपन सर्किट वेंटिलेशन, मतलब ओपन सर्किट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन हो रहा है, जो वेंटिलेशन की सर्किट है वो ओपन है, ठीक है। देन सेकंड है सरफेस वेंटिलेशन, सरफेस वेंटिलेशन। तीसरा है इसका क्लोज सर्किट वेंटिलेशन, क्लोज सर्किट वेंटिलेशन। देन लिक्विड कूलिंग, ओके। तो ये थे कूलिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन,
जो दो पार्ट में होते हैं, बिल्ड उसके ओरिजिन कूलिंग के ओरिजिन पे, और दूसरा है उसके मैनर ऑफ कूलिंग पे। ओरिजिन ऑफ कूलिंग पे तीन पार्ट है, नेचुरल कूलिंग, सेल्फ कूलिंग और सेपरेट कूलिंग। और मैनर ऑफ कूलिंग पे उसके चार पार्ट है, उसके ओपन सर्किट वेंटिलेशन, सरफेस वेंटिलेशन, क्लोज सर्किट वेंटिलेशन और लिक्विड कूलिंग। ठीक है, नाउ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। तो वेंटिलेशन के टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास? तो वेंटिलेशन मेनली ऐसे तो दो ही टाइप होते हैं, एक इंड्यूस होता है और एक फोर्स होता है। ठीक है, तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। ये सारी चीजें आपकी मेथड्स ऑफ कूलिंग में आती है। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन में दो टाइप है, सबसे पहला है हमारा इंड्यूस्ड। इंड्यूस में मतलब क्या होता है कि मशीन के अंदर का जो एयर प्रेशर होता है उसको हम लोग डिक्रीज करते हैं बाय यूज ऑफ फैन। और ये जो फैन होता है ये आपका बाहर से एयर को लेके मशीन के अंदर फ्लो करता है, ताकि क्या हो सके, जो पार्ट्स हैं, जो गर्म पार्ट हैं, वो आपके ठंडे हो सके। इंड्यूस में आपका ये चीज होती है। तो ये इंड्यूस टाइप जो वेंटिलेशन है ये आपका स्मॉल और मीडियम मशीन को ठंडा करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इंड्यूस मशीन में क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे उसकी प्रोसेस लिख देता हूँ। फैन होता है, फैन होता है वो क्या करता है, आपका फैन होता है वो आपका एयर प्रेशर को डिक्रीज करता है मशीन के अंदर। डिक्रीज इन एयर प्रेशर, इनसाइड मशीन, देन इसके बाद की प्रोसेस क्या है, एयर जो है वो आपकी अंदर आती है, एयर सर्वड इन, ठंडी एयर, कूल्ड एयर। ओके, देन ये जो कूल एयर है उसको आपको फैन के थ्रू पुश मिलता है, मतलब आप यहां लिख सकते हैं पुश्ड बाय फैन। ठीक है, इंड्यूस का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कंप्यूटर फैन जो होता है, कंप्यूटर फैन देखा होगा आपने, कंप्यूटर फैन जो सीपीयू में लगा होता है, कंप्यूटर सीपीयू फैन, ये आपका एक तरीके से क्या है, इंड्यूस टाइप वेंटिलेशन का एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये कौन कौन सी मशीन में यूज होता है, ये होता है आपका स्मॉल और मीडियम मशीन में। दूसरा उसका टाइप है फोर्स टाइप, फोर्स टाइप वेंटिलेशन। फोर्स टाइप वेंटिलेशन में क्या होता है कि फैन जो है वो आपका हवा को एटमोस्फेयर से सक करता है और मशीन के अंदर देता है। ठीक है, मतलब बाहर से ठंडी हवा को सक करेगा और जो गर्म पार्ट है मशीन के अंदर वहां पे उसे फेंकेगा। ठीक है, सिंपल। और इस तरीके से मशीन को ठंडा किया जाता है, इस तरीके से मशीन को कूल किया जाता है। इसका मैं अगर आपको प्रोसेस लिखूं तो जो आपका फैन है ये क्या करेगा, सब करेगा कूल्ड एयर फ्रॉम एटमोस्फियर, देन उसे क्या करेगा, फोर्स, फोर्सफुली उसे फोर्स एट इंटू मशीन, मशीन के अंदर फोर्सफुली इसे डाल देगा यानी फेंकेगा। देन एयर जो है वो आपकी गर्म एयर, इस बार हॉट एयर जो है आपकी वो बाहर आ जाएगी, हॉट एयर कम्स आउट यानी पुश्ड आउट भी लिख सकते हैं इसे, पुश्ड आउट। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्सफुली हम लोग क्या करते हैं, मशीन को ठंडा करते हैं फैन के थ्रू। इसमें क्या होता है, फोर्स पर, फोर्स टाइप वेंटिलेशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर ऑफ कूलिंग है एयर का वो हीट लॉसेस के कारण क्या होता है, राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसमें फोर्स टाइप में आपके ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जो आपके
पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स में जो आपका पावर प्लांट का जो ट्रांसफार्मर होता है बड़ा वाला। ठीक ठीक है, वो जैसे 132 KVA का हो गया, तो इसको क्या है, हम लोग फोर्सफुली हम लोग क्या है, फैन के थ्रू हम लोग इसको, इसकी जो वाइंडिंग है उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या है, फोर्स टाइप वेंटिलेशन का एक एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पावर प्लांट्स ट्रांसफार्मर। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो आज हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कूलिंग और मेथड्स ऑफ कूलिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि अगर कोई नया वीडियो आता है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मशीन की रेटिंग्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, और उसकी ड्यूटी साइकिल क्या होती है, और कौन कौन सी टाइप की ड्यूटी साइकिल हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।